नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। ब्लॉक मवई के अंतर्गत ग्राम सभा हुनहुना व बरतरा के बीच से बह रही तमसा नदी पर ग्रामीणों द्वारा बनाए गए लकड़ी का पुल दे रहा किसी बड़ी दुर्घटना को दावत। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहसिन द्वारा बताया गया कि पूर्व में सीमेंट का पाइप रखकर छोटा पुल बना हुआ था, जिससे ग्रामीण तथा स्कूली बच्चों व बाजार करने वाले छोटे बड़े व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन कुछ समय पहले तमसा नदी की खुदाई व साफ सफाई के दौरान जेसीबी से बना हुआ पुल को तोड़ दिया गया था। तोड़ देने के बाद अब तक कोई नया पुल का नवनिर्माण नहीं हुआ। दूसरे रास्ते से जाने के लिए संपर्क मार्ग पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होने के कारण लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे ग्रामीण व स्कूली बच्चे स्कूल के रास्ते से इस पार से उस पार संपर्क मार्ग व विद्यालय तक पहुंचते हैं। पुल टूट जाने के बाद वर्तमान काल में ग्रामीणों द्वारा लकड़ी का पुल बनाकर तैयार किया गया, जिससे इस पार से उस पार आवागमन बना रहता है। सोचने वाली बात यह है कि समय रहते जिला प्रशासन नहीं जागा तो लकड़ी पर बने हुए पुल पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रतिनिधि जी, ये लकड़ी का पुल बना हुआ है जी, इस पर आपने कहाँ कहाँ तक अभी आपने प्रार्थना पत्र पे? ऑनलाइन पोर्टल पे हमने नहर विभाग, सिंचाई विभाग और ये तमसा नदी वाला विभाग होता है और राजस्व कई विभागों में हमने दिया है, जिसके ऊपर कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जनसुनवाई से लखनऊ से भी कई बार हमारे फोन आया कि इसके ऊपर कार्रवाई हो रही, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आपके क्षेत्र के उप जिलाधिकारी जी के संज्ञान में आप बात को डाला जी, हर आदमी के संज्ञान में, ब्लॉक में भी न्यूज आई थी, वहाँ भी पेपर दिया गया था, वहाँ भी आया, वहाँ से भी ये हो गया बजट नहीं है इतना, तो हमारे ग्राम सभा में बजट है नहीं भी, न निधि से भी कर सकते हैं, नरेगा से बजट कम है। अच्छा, जैसे कि इस समय मौजूदा हालत में लकड़ी का पुल बना हुआ है, इसके पहले किस चीज़ का पुल था? इससे पहले पाइप पड़ा हुआ था, ऊपर से बना हुआ था, तब ये तमसा नदी नहीं खुदी हुई थी, करीब 2 ही 3 मीटर का था जी। इसके बाद जब तमसा नदी खुदने के बाद में फिर लंबाई इसकी ज़्यादा हो गई अभी चौड़ाई, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसमें कोई उस तरह से विभाग, कोई विभाग है इस पर आ जाए, जो तमसा नदी के ऊपर जैसे हर जगह पर पूरे विभाग में बन रहा है, इस तरह आपके पक्की रोड पर बन रहा है, इस तरह से कोई निर्माण हो जाए इस पर, तो यहाँ से हमारे लिए जो है बसोड़ी में बच्चे इसको पढ़ने जाते हैं और कुछ बाज़ार भी यहीं पर है, बसोड़ी हाट बाज़ार है, वहाँ भी रास्ता यहीं से निकलता है, तो कम से कम ना हो तो 2 ही मीटर का चौड़ा बन जाए अगर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो जिला प्रशासन है या क्षेत्रीय रुदौली विधानसभा का अपना जो जनप्रतिनिधि है जी, उससे आप क्या अपील करना चाहोगे? हम अपील करना ये चाह रहे हैं कि जल्द इसका हो जाए, क्योंकि ये लकड़ी का जो बना हुआ ये खतरनाक है, अभी बारिश में ये गिर जाएगा, उसके बाद फिर आने जाने में रास्ता जो है बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, कोई निकल नहीं सकता है। तो इस गांव में आने जाने के लिए और भी कोई रास्ता? और रास्ता है, घूम के जाना पड़ता है बरतरा मोहम्मदपुर वाली रोड से डामर रोड। लम सम में कितने किलोमीटर घूम? 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर ये पुल बन जाता है तो आधा किलोमीटर 500 मीटर जी, इससे रोड पर आने के लिए 500 मीटर जी, तो बच्चों का आवागमन जो आता है हाँ यहीं से है, इसलिए बात जनसंख्या करीब 24 के ऊपर है, तो सारे लोग इसी पुल से निकलते हैं जी, लगभग ज़्यादा सारे लोग निकलते हैं। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।